हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे अब तक के टॉप 3 स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको अंडर 15,000 तक देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, ये सभी स्मार्टफोन एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ आते हैं जिसमें आपको एक बिग डिस्प्ले और बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही टॉप 3 स्मार्टफोन्स के बारे में। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, जो हमारा थर्ड नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स की ओर से। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, इन्फिनिक्स काफ़ी टाइम से अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, लेकिन गाइज इन्फिनिक्स 08i एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक बिगर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सो गाइज, बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो इसमें आपको 6.85 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक IPS डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और इसी के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी। तो गाइज, डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक टॉप नॉच क्वालिटी की परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है। फ्रंट साइड में ड्यूल पंच होल डिज़ाइन सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 16 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल का रहने वाला है। बात करें इसके डिज़ाइन को लेकर, तो एक बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बैक साइड में डायमंड कटआउट के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस। तो गाइज, काफ़ी बेटर कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। दोनों ही कैमरा से आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और गाइज, बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो 45,000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी के साथ आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज, अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन 33 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और गाइज, बात करें इसकी सिक्योरिटी को लेकर, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और गाइज, बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है और यहाँ पर आपको एक बहुत ही गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, मीडिया टेक हीलियो G90T का, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर रन करता है। और गाइज, इसमें आपको थोड़ा बहुत हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है, इसी को लेकर इन्फिनिक्स ने लिक्विड कूलिंग फीचर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया है। तो गाइज, गेमिंग के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और गाइज, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको 15 से लेकर 16,000 तक देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक बिग बैटरी के साथ बिग डिस्प्ले और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट डील रहने वाली है। सो गाइस, बात करें अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो कि आता है सेकंड नंबर पर, और ये स्मार्टफोन है Poco X2। तो गाइस, इसकी प्राइसिंग कम होने के कारण ये स्मार्टफोन आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 आने वाला है। तो गाइस, बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर, इसी स्मार्टफोन में 6.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और गाइस, ये स्मार्टफोन एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि एक प्राइमरी सेंसर आने वाला है 64 मेगापिक्सल के साथ। 8 मेगापिक्सल 2 एंड 2 मेगापिक्सल के यहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो ड्यूल सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलने वाला है जो कि 20+2 मेगापिक्सल के साथ आता है। इसी के साथ इसकी सिक्योरिटी फीचर्स को बात करें, तो यहां पर आपको फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो यहां पर आपको एक बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर रन करता है। गाइस, अगर आप एक गेमर है तो यहां पर आपको कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिल जाता है और इसी के साथ 4500 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी जो कि 27 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आती है। और गाइस, अगर हम बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो इसमें 6GB एंड 64GB के स्टोरेज वेरिएंट आने वाले हैं जिसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है जिससे आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपेंड कर पाएंगे 512GB तक। तो गाइज, ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस रहने वाला है। अगर आप एक गेमर है तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो गाइज, अब बात करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट स्मार्टफोन को लेकर जो कि आता है नंबर 1 पर। तो गाइज, ये स्मार्टफोन है Realme 7 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये स्मार्टफोन आपको अंडर 15,000 देखने को मिल जाता है और ये एक ओवरऑल पैकेज बन जाता है जिसमें आपको एक बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस, एक बीस्ट कैमरा सेटअप और जहां पर आपको एक बिगर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो गाइज, बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर, इसमें आपको 6.5
इंचज की एक फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। लेकिन गाइज स्टिल यहाँ पर आपको डिस्प्ले का विविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर तो इसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप आने वाला है जिसमें प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल और ये सोनी IMX682 के सेंसर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का एक पंचोल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी जो कि 30 वॉट के डार्श चार्जर के साथ आती है। और गाइस बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरियंट को लेकर तो इसमें 6GB एंड 64GB की स्टोरेज कैपेसिटी आती है जिसको आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। और गाइस अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस को लेकर तो इसमें आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। अगर आप एक गेमर है तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। तो गाइस आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इन सभी स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा और आप इन सभी स्मार्टफोन को Amazon से डायरेक्टली बाय कर पाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।